नमस्कार। नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी की किताब से एक बार मिटा कर तो देखिए, अच्छी चीजें अपने आप होनी, अपने आप घटनी शुरू हो जाएंगी। तो नकारात्मकता से आपको बचना है, फिर चाहे वो कोई परिस्थिति हो या कोई शख्सियत, अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना है। और यही बताने के लिए आपको आज भी आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग, फिर जानेंगे अपने और आपके बारे में आराम से, तफसील से। आज 4 मार्च 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। फागुन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद दशमी तिथि है। वृक्षरा नक्षत्र है दोपहर 11 बजकर 23 मिनट तक और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। आज आनंदा नवमी है और ब्रज में मनाई जाने वाली फागु उत्सव जो है वो प्रारंभ हो रहा है। आज 4 मार्च 2020 को विद्या आरंभ करने का मुहूर्त है दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजकर 3 मिनट तक। तो मेष और वृषभ, आज का दिन आपके सामने है और आपको आज के दिन में जो भी करना हो उसमें हमारी तैयारियों को थोड़ा सा जोड़ के देख लीजिए, जोड़ेंगे असर भी दिखेगा। तो नोट कीजिए अपना राशिफल और क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के लिए कई तरह की रुकावटें हो सकती हैं जो किसी नए रास्ते पर चलने में मुश्किलें पैदा करते हैं, पर बहुत सारी रुकावटें आपके मन की बनाई हुई हैं जिन्हें अपने मन से हटाना पड़ेगा और फिर उन अच्छी संभावनाओं की ओर देखना पड़ेगा जो आपको मदद करना चाह रही है। पर यह समय कुछ ऐसा है जो आपकी चुनौतियों की ओर भी इशारा कर रहा है, इसलिए फैसले करते हुए उस बचाव की ओर भी नजर रखनी होगी जो इस समय बहुत जरूरी है बनाए रखना। क्या करना चाहिए समय? रोजमर्रा की मुश्किलें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके विचारों का उतार चढ़ाव बना रहे, पर उसमें ज्यादा भूमिका आपकी मानसिक उथल पुथल की हो सकती है जिस वजह से आप अपनी ही क्षमताओं को कमी की नजर से देख रहे हैं। बहुत ज्यादा नियमित होकर अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या न करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने की कोशिश जरूर करें, पर जिंदगी की उन प्राथमिकताओं का ना भुलाएं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। लोगों से मिलती हुई मदद की वजह से आप इतने भी लापरवाह ना हो जाएं कि आपकी नजर उस नुकसान से हट जाए जिस पर साथ ही साथ ध्यान देने की भी जरूरत है। वृषभ राशि वालों को घर परिवार में अपनों की बात को बेहतर तरीके से समझना होगा और दुखी होते चले जाने से भी बचना होगा। रिश्तों को संभालने के लिए भावुकता के बजाय व्यवहारिकता बनाए रखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए रोजमर्रा की चुनौतियों से घबरा जाना भी ठीक। क्या करना चाहिए समूह में? अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए अपनों की मदद ली जा सकती है ताकि आप अपने लिए जिंदगी की सही दिशा बना पाए, पर पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलत फहमी से भी बचना होगा ताकि किसी भी चीज को भली भांति समझ के ही आप अपने फैसले कर पाए। क्या न करें इस समय में? अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति की वजह से लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं। एक और तो आपकी पैसे से जुड़ी जरूरतें बढ़ रही हैं, दूसरी ओर आपके पैसे का कहीं फंस जाने का भी अंदेशा है और बढ़ते हुए खर्चों का दूसरा नाम नुकसान भी होता है, इसलिए आपको इस बारे में ध्यान देना होगा और खुद की बनाई हुई गलतियों से भी बचना होगा ताकि कोई भी गलती व्यर्थ में महंगी ना पड़े। देखिए, अपनी गलतियों से थोड़ा सा आपको अपना बचाव करना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा सवाल के साथ। सवाल है हिमांशु सेठी का, 24/6/1999, 7:30 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। प्रॉब्लम्स हैं कि ख़त्म ही नहीं होती, बहुत सारी दिक्कतें फेस करते आए हैं। अपना बिजनेस खोला है जिसमें अभी भी सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं और जिसको बहुत चाहते थे, उससे शादी हो पाएगी या नहीं ये भी आपसे जानना चाहते हैं। तो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर कब सफल हो पाएंगे अपने बिजनेस में, और जिसे चाहते हैं उससे शादी हो पाएगी तो कब तक? हिमांशु, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है राहु की अगस्त 2021 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। आपने एक बिजनेस शुरू किया है, क्या सफलता मिलेगी ये सवाल आपने पूछा है जी, और काम के रूप में सफलता का योग कहीं बनता है जी 2022 में, तो बहुत ज़्यादा संभल कर फिलहाल चलना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने शादी का पूछा है, आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं, देखिए अभी आपकी उम्र बहुत कम है, अभी आपको अपने पैरों पर खड़े होना, पहले शादी का समय नहीं आया। तो समय के साथ सारी चीज़ें ज़िंदगी में हो सकती हैं, लेकिन पहले अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अपने काम और कारोबार की ओर ज़्यादा ध्यान दें। देखिए 2022 में आपका करियर बन सकता है, यानी सीधा इशारा यह है कि अभी शादी का ख्याल मन से निकाल देना है, उम्र अभी बहुत कम है। अपने आप को अपने बिजनेस में मजबूती से जमाने की सारी कोशिश आपकी इस समय यही होनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं हम, और अब अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है शिखा कुमारी का। डेट ऑफ बर्थ 18 अप्रैल 2002, 12:45 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है, अरवल बिहार। आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, क्या ये सपना पूरा हो पाएगा? चाहती हैं कि कुछ अच्छा बड़ा बने अपनी ज़िंदगी में और अपने माँ बाप की सेवा करें, तो सोच तो बहुत अच्छी है, सलाह क्या है आपकी? शिखा, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मिथुन राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा भी चल रही है बृहस्पति की 2022 तक। अभी आपकी आयु है 18 वर्ष की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अभी बहुत दूर है, उसके लिए आपको लगातार पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद एलिजिबिलिटी होगी कि आप उस दिशा में एग्जाम दे पाएं, तो अभी बहुत दूर का आप सोच रही हैं और परेशान होती चली जा रही, जबकि छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए, आज क्या करना है कल क्या करना है, इस रूप से अपनी मेहनत करेंगे तो हर दिन वो मेहनत आपकी हर रोज आपको सफलता देती चली जाएगी और ये आदत बन जाएगी सफलता पाने की, इसलिए अपने फोकस को बनाए रखने की जरूरत है और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अभी बहुत दूर का ना सोचें, आज का सोचें और उसमें मेहनत करें। शिखा, सोच बहुत अच्छी है, उम्र अभी 18 साल है, तो आपको अपना ग्रेजुएशन बढ़िया फ्लाइंग कलर से क्लियर करना है, अच्छे से तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, आप जरूर जो बनना चाहेंगी वो बन सकती हैं, लेकिन अभी सारा फोकस ग्रेजुएशन पे, अपनी पढ़ाई पे। आगे हम भी बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मिथुन और कर्क आपकी, तो आपके लिए दिन कैसा है आज का और कैसे आपको आज के दिन को जीना है, यानी क्या करना है और किससे बचना है। मिथुन राशि वालों को अपनों की जरूरतों को समझना होगा और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करनी होगी, आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए ऐसा व्यवहार बनाना बहुत जरूरी है, आपकी अच्छी कोशिशों से ही आप रिश्तों को संभालने में कामयाब हो पाएंगे। क्या करना चाहिए समझ, मन में बहुत सारी उथल पुथल है, असंतोष की वजह से भी आप कभी अपने कदम आगे बढ़ाते हैं कभी पीछे खींच लेते हैं, इसलिए रिश्तों को संभालने के लिए भी आपकी कोशिशें बिखरी पड़ी हैं, जिस ओर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या ना करें समझ, कामकाज के क्षेत्र में सिर्फ लाभ का ही ना सोचते चले जाएं, बल्कि अपने काम को बढ़ाने का और उसमें विस्तार लाने का भी सोचें, अगर काम को विस्तार देने के लिए पैसा जुटाना पड़े या पैसा लगाना पड़े तो उसमें अपने कदम पीछे ना हटाएं। कर्क राशि वालों का कामकाज ठीक चल रहा है पर परेशानियां बहुत हैं, इसी वजह से आपका असंतोष आपके ऊपर हावी होता चला जा रहा है और आप लोगों की बात को भी समझ नहीं पा रहे या संभाल नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समूह, कितनी भी दिक्कतें हों पर खुद को दुखी करते चले जाने से बचना होगा, भावुकता जिंदगी में एक स्तर तक अच्छी होती है उससे आगे नुकसान करती है, रोजमर्रा की परेशानियों को बढ़ाते चले जाने से भी नुकसान ही होता है। क्या न करें समूह में, किसी भी तरह की उत्तेजना के तहत इस समय कोई बड़ा खतरा मोल लेने की कोशिश न करें, क्योंकि इस समय ही ऐसा है जो किसी न किसी तरह की गलतफहमी पैदा कर सकता है, अगर लोग ही आपके खिलाफ होते चले जाएंगे तो आपको अपनी स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा। देखिए, लोग ही अगर आपके खिलाफ हो जाएंगे तब हालात संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा मत होने दीजिएगा, आप चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सिंह और कन्या राशि, देखिए हम लाख चाहें वक्त भी कुछ चाहता है, इसीलिए वक्त की चाल को समझते हुए हमें अपने कदम ताल उसके साथ मिलाने पड़ते हैं, तो देखते हैं आज दिन कैसा है और आपको क्या करना है। सिंह राशि वालों के हालात हर तरह से सहायता कर रहे हैं, भाग्यशाली परिस्थितियां हैं क्योंकि कामकाज को भी बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है जिसमें आपकी मेहनत भी लगी हुई है, रिश्तों के प्रति आप सजग हैं और रिश्तों से खुशियां पाने का समय। क्या करना चाहिए समूह, पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद बहुत सारा उतार चढ़ाव दिखा रही और इसी वजह से आप असंतुष्ट भी हैं, अपनी मेहनत का जो भी फल आपको मिल रहा है उसमें भी आपको कमियां ही नजर आ रही, ऐसी सोच बनाने से भी नुकसान ही होता है। क्या ना करें समूह, रिश्तों के प्रति अपना भरोसा न टूटने दें और अगर लोग इस समय आपकी बात नहीं समझ पा रहे तो भी उनसे जुड़े रहें, अपनी बात इस ईमानदारी और सहजता से कहें जिसमें किसी भी तरह का हेर फेर ना हो। कन्या राशि वालों का एक और तो कामकाज को लेकर मन परेशान है, दूसरी ओर आपको लग रहा है कि घर परिवार में भी कोई ना कोई तकरार उत्पन्न होता चला जा रहा है और कोई ना कोई रुकावटें आ रही, आपकी ओर से भी कोई ना कोई ऐसी बात रही है जिसे समझने में गलती हो सकती है। क्या करना चाहिए समझ, कामकाज के क्षेत्र में थोड़ा सा भरोसा जागृत करना होगा और अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को भी हटाना पड़ेगा, तब जाके हालात आपकी पूरी तरह से सहायता कर पाएंगे। क्या ना करें समूह में, लोगों की अच्छाई को समझने में कोई कमी ना रखें, अगर रोजमर्रा की मुश्किलें आ भी रही हैं तो भी उसके चलते रिश्तों के प्रति अपनी प्रेरणा को कम ना होने दें, कामकाज से मन हटेगा तो रिश्तों पर भी बुरा असर आता चला जाएगा और इस समय यही ठीक नहीं। देखिए, कामकाज से अगर मन हटेगा तो उसका
दुष्प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। इसलिए कामकाज में मन लगाइए, उसमें सफलता मिलती रहेगी, उसमें शांत रहेंगे तो सब कुछ शांत रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है ओशीन का। डेट ऑफ बर्थ 17/7/1993, बर्थ प्लेस मधुबनी, जन्म का समय है सुबह 7:25। बैंक जॉब के लिए अभी से तैयारी कर रही हैं, साथ ही साथ इनको सिंगिंग का भी शौक है, क्या बतौर सिंगर इनका फ्यूचर बन सकता है या बैंक जॉब के लिए तैयारी करती रहें? और यही इनका सवाल है। ओशन, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और वृषभ राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है बुध की January 2022 तक। जॉब के लिए तैयारी कर रही हैं पर अपनी तैयारी को अभी भी और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सही समय बनता है जब आपका अच्छा सा कैरियर बने वो समय है जी अब से 2.5 साल के बाद। तो लगातार मेहनत करें ताकि उस अच्छाई को प्राप्त कर सकें जो आपकी कुंडली आपको देना चाह रही है, लेकिन उसके लिए वक्त लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है, इस बात को बिल्कुल ना भूलें। दूसरी बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपनी गायकी से, अपनी सिंगिंग से जुड़ी रहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भरपूर क्षमता है। तो 2.5 साल बाद आपका करियर बन सकता है। और एक अच्छी सुंदर बात आपकी कुंडली से ये दिखाई दे रही है कि गायकी से जुड़े रहिए, इसमें भी आप बहुत तरक्की कर सकती हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अगला सवाल हमारे सामने आता है, इनका नाम है, अच्छा इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बेटी के बारे में पूछा है। डेट ऑफ बर्थ 5/6/1996, 10:48 सुबह, जन्म हुआ है संगरूर पंजाब। आपका प्रोग्राम रोज देखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जॉब और पढ़ाई को लेकर बेटी का ये सवाल है, उसको लेकर चिंतित हैं। इनकी बेटी ने बायोटेक्नोलॉजी में MSc किया हुआ है, कब तक जॉब लग सकती है, ये इनका सवाल है। आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा जी, आपकी बेटी की कुंडली है सिंह लगन की और मकर राशि की, उसकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है शनि की 2022 तक। आपकी बेटी ने बायोटेक्नोलॉजी में MSc की है और आप पूछना चाह रही हैं कि जॉब कब मिलेगी। देखिए, कोशिश की जाए तो आने वाले 3 महीने में एक जॉब मिल सकती है, जिसे ले लेना चाहिए और फिर अपनी मेहनत से उसमें सुधार लाने का समय और बेहतर जॉब की ओर बढ़ने का समय बन जाएगा जी अब से 1 साल के बाद, लगभग जून जुलाई 2021 में। तो एक एक कदम आगे बढ़ते हुए जिंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए, आने वाले 3 महीने में एक जॉब मिल सकती है, फिर अब से 1.25 साल बाद बढ़िया जॉब भी उनको मिल सकती है, तो उनके लिए तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। आपको भी उनको बस प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, आगे बढ़ना है हमें। और अब बात करनी है तुला और वृश्चिक राशि आपकी, तो सबसे पहले दिन को जान लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों को पैसे के लेन देन पर नजर रखनी होगी। आपकी अच्छाई और मेहनत के बावजूद जिंदगी में कई फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक ही करना पड़ता है और जिसमें किसी भी तरह के शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्या करना चाहिए समूह? आमदनी के जरिए तो अच्छे बने हुए हैं पर बार बार उभरते हुए खर्चे उस अच्छाई में कमी ला सकते हैं, इसलिए बहुत सारी योजना बनाए रखने की जरूरत है। खाने पीने को लेकर भी किसी भी तरह की लापरवाही करते चले जाने से बचना होगा ताकि सेहत भी संभली रहे। क्या ना करें इस समय में? लोगों की मदद जरूर करें पर उस मदद के एवज में ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि सब कुछ ठीक चलता चला जाए। अगर विचारों का मतभेद होगा तो अब उसका बुरा असर भी जिंदगी की बाकी चीजों पर आएगा। किसी भी वजह से अपने कामकाज से जुड़ी घबराहट को भा लेना इस समय ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि अपनी जरूरतों के लिए पैसा जुटाना अच्छी बात है पर जरूरत से ज्यादा पैसा जुटाने से आप मुश्किलों को बुलावा देते चले जा रहे हैं। कभी कभी देनदारी का बोझ भी ऐसा हो जाता है जिसे संभालना मुश्किल ही होता है। क्या करना चाहिए समय? रोजमर्रा की मुश्किलें बनी हुई हैं जिसकी वजह से कामकाज पर असर आ सकता है और आपके मन की घबराहट बढ़ सकती है। ऐसे में आपको लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी जो इस समय कमी दर्शा रहा है। अगर किसी से कोई बात मनवाना चाह रहे हैं तो सही समय पर ही आपको वो बात कहनी होगी। क्या ना करें समय? अपनी इच्छाओं को इतना भी अनुचित ना बनाते चले जाएं कि कोई प्यार के रिश्ते में मुश्किलें आती चली जाएं। वैसे भी अपने मन को दुखी करके आप तकदीर को आजमाने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने लिए मुश्किलों को ही बुलावा देते चले जा रहे हैं। तो बिना वजह तकदीर को आजमाने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपने लिए ही मुश्किलें पैदा करेंगे, नहीं होगी, हम हैं आपके साथ। धनु और मकर राशि आप के लिए कैसा है आज का दिन, क्या है करना और किससे है बचना? धनु राशि वाले अपनी जानकारी को पुख्ता करेंगे तो आपका भरोसा और बढ़ेगा और अपने मन में
प्रतियोगिता की भावना लाने से आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सक्षम होते चले जाएंगे। ये ऐसी अच्छाई है जिस ओर आपको लगातार प्रयास करना होगा। क्या करना चाहिए? लोगों को शक की नजर से देखने से बचना होगा, इसलिए लोगों के बनते बिगड़ते विचारों में गलतियां निकालते चले जाने से आप ही का नुकसान हो सकता है, इस बात को भी समझना होगा। अगर कोई चीज फिलहाल बुरी लग रही है तो उसे स्थगित किया जा सकता है ताकि भविष्य की अच्छी संभावनाओं को आप देख पाए। क्या न करें, समय में किसी यात्रा या बदलाव से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। पहले हर चीज को भली भांति समझ लें। अगर कोई चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही तो उसकी छानबीन कर लें, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी के तहत आप अपने कदम बिल्कुल ना बढ़ाएं। मकर राशि वाले काम और कारोबार में अपनों से जुड़े रहना चाह रहे हैं, पर परिस्थितियां आपको दूर स्थान के विकल्प भी दिखा रही, और हो सकता है आपको कोई विकल्प बहुत अच्छा भी लग रहा हो, पर उसके पीछे छुपी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें समझ लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? अपने साथी सहयोगियों के प्रति अविश्वास पैदा करने से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, पर परेशानियां कुछ ऐसी हैं जिन्हें आपने अपने मन में बिठा रखा है। आपका असंतोष जाहिर हो रहा है जिस वजह से आपकी मुश्किलें भी बड़ी हुई हैं। क्या न करें समय में? किसी ऐसे परिवर्तन के पीछे न भागें जिसमें सिर्फ आपका पैसा लगता चला जा रहा है और जिससे कोई लाभ नहीं हो रहा, इसलिए कोई ऐसा विचार न बनाएं जो आपकी मुश्किलों को व्यर्थ में बढ़ाता चला जाए। अपने विचारों को जरूरत से ज्यादा प्रबल बनाते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं। बात एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर आपके तारे कुंभ और मीन राशि। बात की कर लेते हैं बात ज्योतिष गुरु से, तो बात में सबसे पहले तो आपका आज का दिन समझ लेते हैं आपके राशिफल के जरिए, फिर आपको बताएंगे कि आप आज क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों को आपकी मेहनत हर तरह का फल दे सकती है, और उस मेहनत को बनाए रखने के लिए तकदीर आपका साथ भी निभा रही। घर परिवार में अपनों के सहयोग से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, पर हर कदम आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर सोचना होगा। क्या करना चाहिए समय? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी अच्छाई को समझें ताकि कोई भी रिश्ता संभला रहे। अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बढ़ाते चले जाने से भी बचें। बहुत ज्यादा सोच के अपनी परेशानियों को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा आपको इस समय। क्या न करें समय? किसी भी वजह से अपने दोस्तों से किनारा न करते चले जाएं। अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि आपको अपने आसपास के लोगों की अच्छाई नजर ही ना आए। कामकाज से जुड़े फैसलों को भी इस रूप से लें जिसमें आपका लाभ लगातार बना रहे, और जिसमें आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के सामने कामकाज से जुड़े कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको बड़ा लाभ मिल सके, पर उन फैसलों में आपको अपनों से दूर जाना पड़ सकता है जो इस समय आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ाता चला जाए। इसलिए किसी एक अच्छाई की ओर बढ़ने की वजह से दूसरी ओर कमियां नजर आ रही हैं, जिस तालमेल को आपको बिठाना पड़ेगा और सूझबूझ से ही फैसले करने होंगे। अपने काम को बढ़ावा देने के साथ साथ अपनों के प्रति अच्छा सोचने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समूह में? ऐसा हो सकता है कि आप कोई फैसला करके उसे आगे चल के पलट लें, और जिस वजह से विचारों का मतभेद हुआ जाए, इसलिए फैसला ही ध्यानपूर्वक करें ताकि किसी भी तरह के बदलाव से बचा जा सके। क्या न करें समय में? जिंदगी की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज न करें। निजी जीवन के हालात को संभालते हुए कहीं व्यर्थ में आप अपना नुकसान न करते चले जाएं। इसलिए किस चीज में कितना पैसा लग रहा है इस बात को समझने में भी कोई कमी ना रखें। कहां कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसको भी कैलकुलेट करना ही होगा, इससे नहीं बचकर आप आगे बढ़ सकते। सवाल लेते हैं जो कि दीपक झा अपने बेटे प्रतीक के लिए पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ 24/11/1989, 8:25 रात में इनका जन्म हुआ है कानपुर। बेटे की शादी का योग कब तक है और आगे बेहतर जॉब के चांसेस कब तक हैं, ये इनका सवाल है। दीपक जी, आपने अपने बेटे प्रतीक के बारे में पूछा। प्रतीक की कुंडली है जी मिथुन लगन की और कन्या राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है केतु की सितंबर 2020 तक। कब तक जॉब लगेगी बेटे की, कब शादी होगी, ये बड़ा सवाल हर पेरेंट के मन में होता है। आपके मन में भी ये चिंताएं। कोशिश की जाए तो मई 2020 में जो जॉब लग सकती है उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके कई सारे कारण हैं। एक तो देरी बहुत हो रही है, फिर शादी का समय भी बहुत जल्दी बनता चला जा रहा है, तो कैरियर बनाना पहले बहुत ज़रूरी है, और मई 2020 से उसकी शुरुआत हो सकती है। आपके बेटे की शादी हो सकती है नवंबर-दिसंबर 2020 में, इसी साल के अंत में, और 30 वर्ष की आयु हो चुकी है, इसलिए और ज़्यादा देरी करना अब ठीक नहीं। देखिए, शादी तो इसी साल नवंबर-दिसंबर 2020 में है, जो फौरन आपको इस दिशा में आगे बढ़ जाना चाहिए, और मई में उनके लिए और अच्छी जॉब का भी योग दिखाई दे रहा है।
आगे हम बढ़ेंगे और अब जानेंगे ज्योतिष गुरु से कि जैकपॉट में किस राशि के लिए क्या खास उपाय निकल कर आ रहा है। सर, सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि किसी भी अच्छे और भाग्यशाली समय में हर चीज में गलतियां नहीं निकालनी चाहिए और अपने मन को दुखी भी नहीं करना चाहिए। उस अच्छाई की ओर देखें जो आपके लिए भरपूर बनी हुई है और जिसके चलते आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं। बड़ी सफलता पाने का यही राज है कि आप अपने भरोसे को जगाए रखें। तो जैसा हमने शुरू में कहा था कि नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी की किताब से मिटा कर देखिए, अच्छी घटनाएं, अच्छी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। तो बस नकारात्मकता से आपको बचना है और इसे बचाने के लिए ज्योतिष गुरु लगातार आपका साथ देते रहेंगे हर रोज यूं ही। कोई भी मुश्किल अगर है, लिख भेजिए आपके तारे aajtak.com पर, वेबसाइट www.aajtak.in/tare। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ, लेकर आपके तारे।